तो आज मैं बात करूंगा एक रूमर के बारे में, और वो रूमर ये है कि हमें एमसीयू के फ्यूचर में यानी कि एवेंजर्स दी कैंग डायनेस्टी या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिखाया जाएगा वर्सेस, यानी कि एक इंकर्जन होगा, जैसे कि हमें पता है कि होने वाला है अर्थ 616 यानी कि जो मेन यूनिवर्स है वो, तो अर्थ 616 वर्सेस अर्थ 838 जिसको हमने देखा है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में, जहाँ पर वांडा ने सारी मेंबर्स की बैंड बजा दी थी। तो आप लोग सोचो कि आप किसी के घर पे जाके इतने लोगों को मार दिए हो जान से, तो बाकी के जो मेंबर्स हैं जिसको हमने देखा नहीं है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो वो लोग बदला लेंगे या नहीं लेंगे? ज़रूर लेंगे। तो वैसे ही कुछ होने वाला है। तो रूमर के अकॉर्डिंग आयरन मैन हमें दिखाई देगा, यानी कि वहाँ का जो अब कैप्टन होगा वो होगा आयरन मैन, वही सब प्लान वगैरह करेगा और अटैक करेगा अर्थ 616 पे। तो आई नो कि आप लोग के मन में अभी बहुत सारे सवाल आए होंगे कि वो कौन सा आयरन मैन होगा, टॉम क्रूज वाला, आरडीजे वाला या फिर कोई और। तो देखो बहुत ही मतलब अर्ली टॉक्स होता है ना, तो ये मैंने वो सुना है कि हमें दो आयरन मैन दिखाई देंगे, दोनों के बीच वर्सेस होगा, और भी लोगों के बीच वर्सेस होगा। एक होगा टॉम क्रूज वाला आयरन मैन, एक होगा आरडीजे वाला आयरन मैन, एक होगा विलन और एक होगा हीरो। अब इसमें से हीरो कौन होगा, विलन कौन होगा, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। ये फिलहाल अर्ली टॉक है। हो सकता है कि सिर्फ एक ही आयरन मैन दिखाई दे अर्थ 838 वाला, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर किसकी भी डेथ वो लोग दिखा रहे हैं तो इतना पकड़ के चलो कि फ्यूचर में उनको रिटर्न लाया जाएगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक, मतलब जब तक मल्टीवर्स है तब तक। तो ये दिमाग में लेके चलो। बाकी ये रूमर था, मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग क्या सोच रहे हो, और अर्थ 838 से सिर्फ आयरन मैन नहीं और भी मेंबर्स होंगे। अब वो कौन होंगे वो नहीं पता है, बट आयरन मैन को लेके बहुत जन श्योर है, इंटरनेट पर बात चल रही है, क्योंकि हमने वहाँ पे अल्ट्रॉन्स को देखे थे। तो देखते ही रूमर सच होता है नहीं होता है। और जैसे कि मैंने अर्ली टॉक्स आप लोगों को बता दिया है कि दो आयरन मैन दिखने वाले, एक हीरो एक विलन, और वर्सेस वगैरह होने वाला है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा है बंदी वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो।